नमस्कार, मेवाड़ मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इधर गुजरात मोरबी में हूँ। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हब टाइल का, चाइना के बाद सेकंड नंबर आता है आज मोरबी का। वहाँ से आपको मैं टाइल के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। टाइल इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में बन रही है, नंबर वन हो जाए उसके बारे में पूरा टाइल का प्रोसेस कैसा होता है ये मैं आपको बताऊँगा। पूरा फैक्ट्री का आपको विजिट कराऊंगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब करें, जो बेल का निशान है उसको आप घंटी बजाएं। और जो हमारे सेमिनार हो रहे हैं देश भर में, जो 21 अक्टूबर को मुंबई में, 28 अक्टूबर को बेंगलोर में कलकत्ता में, 11 नवंबर को दिल्ली में और 18 नवंबर को जो बेंगलोर में हो रहा है, उसमें आके अगर आप बिजनेस सीखना चाहें तो भी हम लोग आपको सिखा रहे हैं। जिनको फ्रेंचाइजी चाहिए वो भी अपनी फ्रेंचाइजी जरूर हमारे को इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। लेकिन आज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ टाइल कैसे बनती है और पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ में, मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये कोयला है। इस कोयले को जलाकर, बहुत सी जगह अभी गैस भी आ गई है, लेकिन ये कोयले को जलाकर यहाँ से गैस बनाई जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं ये प्रेस है, ऊपर से मिट्टी आ रही है और मिट्टी से ये जो प्रेशर है इससे ये बिस्किट बन रहा है। कच्चा है ये जो है ना, ये पूरा कच्चा है अभी, ये कच्चा बिस्किट बन रहा है और ये बिस्किट आगे जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे जाके ये यहाँ पर देखो तीन प्रेस लग रहे हैं, ये वाटर ट्रीटमेंट है जो पूरे प्लांट में जो वाटर यूज होता है उसका यहाँ पर सारा फिल्ट्रेशन और वापस रिसाइकलिंग होके ये वाटर यूज करते हैं। आइए मैं आगे कैसे प्रिंट होता है ये दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कच्चा बिस्किट वहाँ से आया था वो यहाँ पर इस पूरे बड़े प्रोसेस से गुजर कर, ये इतना बड़ा हीट से गुजर के आया, देख सकते कितना लंबा है, उसमें से घुस के यहाँ आके ये बिस्किट निकला है। ये अभी पक गया है, एकदम गर्म है। और यहाँ पर ये बिस्किट आप देख सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहे हैं और ये एक साथ ये। अब इसके ऊपर आगे प्रिंट होगा वो प्रोसेस अभी आपको बताता हूँ मैं, आगे आइए। ये अभी आप देख सकते हैं ये बिस्किट यहाँ जो मट्टी में से निकल के आ गए हैं और यहाँ से प्रोसेस और प्रिंटिंग होने के लिए यहाँ ये डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये दो लाइन है, ये लाइन एक इधर है और ये चलता चलता यहाँ पर इसकी देखिए प्रेसिंग हो रही है, यहाँ पे सफाई हो रही है, ये ब्रश हो रहा है, मिट्टी ऊपर का उड़ा रहा है ये, यहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा स्प्रे पानी डाल के उस पर सोखा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये ग्लेज चढ़ रहा है वाइट, ये येलो कलर है या वाइट कलर आ गया, वहाँ से येलो घुस रहा है यहाँ वाइट निकल रहा है, यहाँ पर ये ग्लेज लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा कलर थोड़ा और अच्छा ग्लेज चढ़ रहा है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं ये थोड़ा दूसरा और ग्लेज चढ़ रहा है, ये देखिए पूरा प्रोसेस है। इसके ऊपर किस तरह से प्रिंट होगा, सभी प्रकार की जो साइज है वो उसका यही प्रोसेस है। यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइल घूम रहा है, आप देखिए ये टाइल जो खड़ा आ रहा था यहाँ घूम के ये आड़ा हो जाता है। और इसकी यहाँ पर भी ये साइड की जो धार है वो थोड़ा फिनिश हो जाती है, देखिए आप। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला प्रोसेस अभी बंद है, यहाँ पर भी कुछ होता था और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन। यहाँ पे भी स्क्रीन प्रिंटिंग हो रहा है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बाजू, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन प्रिंट हो रहा है, डिजाइन प्रिंट हो रही है, ये टाइल यहाँ से निकली वाइट और यहाँ पे आके है ये प्रिंट हो गई है, डिजाइन बन गई है। देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है, स्क्रीन प्रिंट हो रहा है, डिजाइन बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी डबल प्रिंट हो रहा है, एक प्रिंट पहले हो चुका था लाइट, इस पर आगे आएंगे तो आपको देखो डार्क कलर भी इस पर प्रिंट हो गया है, वहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ से प्रिंट होके डार्क निकल रहा है। ऐसे धीरे 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 ये आगे बढ़ता जाता है और उसके बाद ये किलन में जाएगा पकने के लिए। यहाँ पर तीसरा प्रिंट हो रहा है, थर्ड प्रिंटिंग हो रहा है यहाँ पे, तीसरा डिजाइन और दोनों अलग अलग तीन 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 लाइन चल रहा है, तीन प्रेस था वो। ये वहां से जो प्लेन बिस्किट निकला था अभी देख सकते हैं आप, इसमें कितने तीन शेड आ गए इसके अंदर। और ये घूम के जब ये एकदम रेडी हो गया है तीनों लाइन, ये जो किलन है उसमें जा रहा है पकने के लिए, जो बड़ा किलन है इसमें जा रहा है और ये पूरे लंबे प्रोसेस के बाद में आगे निकल जाएगा। हाँ ये देखिए आप, पूरा ये अलग अलग जो डिजाइन अपन ने देखा था इसके अंदर आ रहा है, ये एक इसके अंदर जो लाइन से इसको कर रहा है, यहाँ आके ऑटोमेटिक रुकती है, एक लाइन बनती है, इस फिल्म से ये पक्की आई है। और इसके बाद देख सकते हैं आप ये यहाँ पर पैकिंग होने के लिए आ गई है, यहाँ पर एक फैन भी लगा है ठंडा होने के लिए, और ये यहाँ पर एक साथ आके खड़ी होती है और ये उधर जाके खाली हो रही है, ये उधर नहीं आके खाली हो रही है। ये सारा स्टॉक है, ये देखिए ये कजेरिया स्टॉक, कजेरिया बोलते हैं ब्रांडेड कंपनी, यही बनती है, ये मिलेनियम का यहाँ ब्रांड स्टॉक पड़ा है, ये वाइट बॉक्स पड़े हुए हैं, जो मैंने बनाया था ना ब्रांड कौन सा यूज करें, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक यहाँ बनते हैं, आप देख सकते हैं। और एक ही चीज है, एक ही बिस्किट है, कोई डबल रेट में बेचता है, कोई सिंगल रेट में बेचता है। एक ये मैंने मोरबी से टाइल्स का एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको दिया है, किस तरह से टाइल बनती है आप इसको आज मैंने बताने की कोशिश की है। ये 12x8 का था, इससे 15x10, 18x12, 2x1, ये सारा प्रोसेस इसी तरह से होता है, इवन 2x2, 4x2 और 8x4 की टाइलें भी इसी तरह से बनती है, वही प्रेस से आती है, सिलन में जाती है, प्रिंटिंग होती है। केवल जो पॉलिश वाली है 2x2, उसे पॉलिश प्लांट थोड़ा सा अलग होता है, आप ये देख सकते हैं इतना बड़ा ये प्लांट है। तो ये इसी तरह से मैं और भी वीडियो जहाँ जहाँ का जो प्रोसेस होता है मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप ज़रूर ये वीडियो देखते रहिए। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आपने बेल यानी घंटी का बटन नहीं दबाया हो तो ज़रूर दबाए। ये जो भी अपन ने नीचे जो देखा था ना टाइलें बनती हुई, ये सारा रेडी होके यहाँ पे ये शोरूम में जमा है। तो आपने पूरा देखा, ये मैंने पूरा जो आपको फैक्ट्री में दिखाया है, इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि कितनी मेहनत से, कितने मजदूर, कितने लेबर लग के इस टाइल को बनाते हैं और आपके सामने इतनी सुंदर टाइल लेके आते हैं। आज मैं मोरबी आया, मैंने आपको ये सारा प्रोसेस दिखाया है, ओनेस्ट होटल में मैं रुका हूँ। अगर आप भी कभी मोरबी आए तो ओनेस्ट होटल में रुके, बहुत अच्छी होटल है, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा खाने का भी यहाँ टेस्ट है, तो जरूर आप विवाह